काम कर रहे हैं, जैसे ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन जो है वो हमें तवक्को है कि अगले 10-8 दिन में वो पिकअप कर जाएगी इंशाल्लाह, और उसके नतीजे में रेलवेज़ को अच्छा रेवेन्यू मिल जाएगा, उसमें कुछ बचत भी होगी, हमें अच्छी बचत होगी इंशाल्लाह। उसके अलावा 2,500 दुकानें किराए पे नहीं चढ़ाई हुई थी, 2,600 शॉप्स पूरे नेटवर्क पे। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया था, वो ऑर्डर रेलवे को रोकता ही नहीं था कि आप दुकानें किराए पे ना चढ़ाएं, इल्ला माशाल्लाह ऑर्डर पढ़ने की किसी ने जहमत ही गौरा नहीं की हुई थी, और इन्होंने माशाल्लाह ना पढ़ के अपना करोड़ों का लॉस किया हुआ था। बहरहाल उसको देखा, अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट से भी मेहरबानी की, उन्होंने इजाज़त दे दी है, लेकिन दुकानों के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। और आप बीट रिपोर्टर्स हैं, मेरा ख्याल आप में से भी किसी को ये बात नहीं पता थी। तो बहरहाल वो अब हमने उसके टेंडर वेंडर किए हैं, कल उस पर मीटिंग की है, उस पर मुनासिब प्रीमियम भी हम डिमांड करेंगे, किराया भी रीज़नेबल होगा, एग्रीकल्चर की जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं उनको भी दोबारा देना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन मुकम्मल हो गए हुए हैं। तो एक साल में इस शॉर्ट टर्म लीज से 2.5 से 3 अरब रुपए जो हैं वो हमें आ सकते हैं। अगले 2-1 हफ्ते में इसकी असेसमेंट मुकम्मल हो जाएगी, इसलिए मैं गुंजाइश दे रहा हूँ, वो असेसमेंट हर डिवीज़न करता है, हर डिवीज़न अपनी असेसमेंट भेजेगा, फिर हेडक्वार्टर में इसको हम फाइनल करेंगे कि इतना पैसा आना चाहिए। हमारा टारगेट है 3 बिलियन का, 2.5 से 3 अरब रुपया शॉर्ट टर्म लीज़ के ज़रिए अगले 12 माह में रेलवे के ख़जाने में इंशाल्लाह आ सकता है। इसी तरह हम फेडरल गवर्नमेंट के पास भी जा रहे हैं कि एक बूस्टर डोज वो हमें मिल जाए, थोड़ा सा पैसा मिल जाए, ताकि ये जो गैप है हम किसी तरह रेवेन्यू वाला एटलीस्ट ये कवर कर लें, और हमारे जो मुलाजमीन हैं और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए ज़रा आसानी पैदा हो जाए। उसके लिए हमने पूरा अपना वो कैलकुलेशन पूरी कर ली है, और नेक्स्ट वीक पे हम फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे फिर जो भी हो सका। इसके अलावा ऑप्टिक फाइबर, उस पर अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और हमारा आपस में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उस पर मैंने मीनुल हक साहब से मेरी बात हुई है, ही इज़ वेरी काइंड, हम बैठेंगे उनके साथ। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान रेलवेज़ को हुकूमत इजाज़त दे कि हमारे ROW के अंदर प्राइवेट कंपनी जब आती है ले करने के लिए ऑप्टिक फाइबर, तो वो रेवेन्यू शेयरिंग करे हमारे साथ, महज किराया ना दे, ताकि कोई रेलवे की भी इनकम बन जाए और हमारे लॉसेस कवर हो नॉन कोर बिजनेस के ज़रिए। इसके अलावा ब्रांडिंग में आप कल मौजूद थे ब्रांडिंग कॉन्फ्रेंस में, हमें तवक्को है कि अगले 45 से 60 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है इसका फेज़ 1 अल्लाह ने चाहा तो मुकम्मल हो जाएगा, और वहाँ से भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू आना शुरू होगा। इब्तदा में कम होगा, लेकिन अगले आने वाले सालों में अगर हम इस रास्ते पे कामयाबी से चल पड़े तो रेलवेज़ को ब्रांडिंग से भी काफ़ी पैसे आया करेंगे इंशाल्लाह ताला, उसकी बुनियाद हम रख जाएंगे। अब एक जो ताज़ा तरीन मसला आ गया है वो है डीजल के, ये जो 35 रुपये बढ़ गए हैं, किराए जो हैं रेलवेज़ के वो पहले ही काफ़ी हैं, तो हमारा तो बिल्कुल दिल नहीं करता इसको बढ़ाने को, लेकिन जो हमें झटका लगा है वो एक साल में 5.5 अरब रुपये का, पहले ही हमारा बिल 20 अरब बढ़ गया हुआ है डीजल का, 18 से 38 अरब हो गया था, अब ये 5.5 अरब रुपया और हम पे ये लोड हो गया है, तो ये किधर से पूरा होना है। इसलिए इस बात पे हम गौर कर रहे हैं, कल भी हम बैठे रहे हैं रात 9-9:30 बजे यहाँ से उठे हैं, कि बाकियों ने तो खैर हद कर दिया है कि जितना इजाफा हुआ है वो दुगना ट्रांसपोर्टर्स ने इजाफा कर दिया, जो अनफेयर है, लेकिन अगर रेलवे ने अपना किराया बढ़ाया तो वो उतना ही होगा एग्जैक्ट जितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट आया हमारे, शायद 7-8% हो, अभी इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, हम बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। तवक्को ये है कि अगर रशिया से तेल की दरामद हो गई तो प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, तो उससे फिर लोगों के लिए आसानी पैदा होगी, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हम 5.5 अरब का झटका साल का बर्दाश्त करने की हमारे में सख्त सच्ची बात है नहीं है, क्योंकि अगर ये बर्दाश्त किया तो फिर तनख्वाहें और सैलरीज और ये पेंशन देना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा। और आप सबको पता है कि रेलवे जो है वो एक, और रेलवे PIA सिविल एविएशन शायद कोई एक आध महकमा और होगा जो कमा के अपनी पेंशन और सैलरी में कंट्रीब्यूट करता है, और हमें जो सपोर्ट मिलती है रेलवे में वो जो शॉर्टफॉल है जिसे खसारा कहा जाता है वो पेंशन है, कुछ सैलरीज में कंट्री, बाकी हमने कमाना है तो हमने तनख्वाहें देनी है और पेंशन देनी है, ये बात बड़ी वाजे सबको पता होनी चाहिए। सरकार सारी अदायगी नहीं करती, क्योंकि वो आप कहते हैं आप कमाने वाला अदारा है कमाओ, तो अब ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं
कोविड में भी सेटबैक आया था, लेकिन सैलाब में बहुत बड़ा सेटबैक आया। बहरहाल हमने हिम्मत नहीं हारी, हम इस अपने रास्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो हम पैसा कमाएंगे नॉन कोर बिजनेस से, और कुछ फिर हमें देखना पड़ेगा कि कैसे इसको एडजस्ट करना है तेल की प्राइस को। लेकिन ये बात वाजे हो कि ये सारा कुछ 10-15 दिन या महीने 2 महीने में नहीं होता। ऑब्वियसली इसका जो अब आप एक काम शुरू करते हैं, जैसे ब्रांडिंग वाला काम है, तो हम एकदम सब कुछ ब्रांडिंग के लिए नहीं देंगे, पहले एक पायलट प्रोजेक्ट करेंगे, उसकी टीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, उन टीदिंग प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे, उनको एड्रेस करेंगे, फिर उससे ज़रा अपने सर्कल को वसी करेंगे। तो ये स्टेप वाइज जो है मरहलावार हम ब्रांडिंग की तरफ जाएंगे। इसी तरह ये जो हमारा रियल एस्टेट है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 5 साल के लिए कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा करना है तो रूल्स बनाएं, और रूल्स जो है वो कैबिनेट उसको अप्रूव करे। रूल्स हम बना रहे हैं, 7-8 दिन में वो रूल्स हम सबमिट कर देंगे। लेकिन वो रूल्स बन भी गए तो अगर आपने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर जाना है, तो उसमें भी बहुत मोहतात होना पड़ता है आपको, कि कोई गलती ना हो, पेपरा लॉज को फॉलो किया जाए, शफाफियत मेंटेन हो। वो फिर लॉन्ग टर्म है, उसकी बुनियाद तो हम ज़रूर रख देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 6-7 माह में कोई मेगा प्रोजेक्ट जो है वो हो सकेगा, मगर उसकी बुनियाद रखी जाएगी। और जो भी हुकूमत होगी इंतखाबात के बाद, जब ये टर्म पूरी होगी, उसके लिए एक आसानी होगी, हमने उनको बेस फ्राहम कर दी होगी। क्योंकि जब आप काम करते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि सारा काम मैंने ही करके जाना है, ये कभी नहीं हो सकता। तो आपने काम कुछ कर देना है, और कुछ आपने बुनियाद फराहम करनी है अपने बाद आने वालों के लिए, ताकि निज़ाम रियासती अदारों का चलता रहे। ये चंद बातें मैंने आपसे करनी थी, आपका बहुत शुक्रिया। आप कुछ सवाल करना चाहें तो मैं हाँ बताते हैं आपको। इसमें ये बड़ा सिंपल इशू है, एक ही इशू है, मैं लंबी तफसील में नहीं जाता। पाकिस्तान रेलवे का इंटरेस्ट 99% हमने प्रोटेक्ट नहीं करना, 100% करना। अगर कहीं 98% होगा, 90% होगा, तो मैं इंतज़ार करूँगा। मेरा ख्याल है इसमें सारी बात है। मैं माजी के लोगों पे कोई मलबा नहीं डालना चाहता। उसकी वजह है कि उन पर डालते डालते कोई जो हमारे दोस्त हैं, दोस्त ममालिक, वो फिर उनको वो मजरू होते हैं। तो मैं वैसी मैंने कोई बात नहीं करनी, लेकिन रेलवे की टर्म्स पर आना पड़ेगा। जो चीज़ रेलवे को सूट करेगी, उसी बुनियाद पर हम काम करेंगे। तो अभी ये बातचीत कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला बात। उस बात की करिए, लोगों को फैला दीजिए। मेरा ख्याल है आगे बड़ा कुछ हो गया है। दुकानें नहीं दी ना है लिया, किस किस को आपने लटकाना है, इनको मैंने कहा फार्मूला बनाओ, अच्छा प्रीमियम लो, और कार्टिल नहीं बनने देना आपने, और एक दुकानों को इवेल्यूएट करो, और वो जो होता है स्टीरियोटाइप काम नहीं करना। उस पर इन्हें चंद दिन दिए गए हैं, जो आपका ये डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड है वो काम करेगा इंशाल्लाह ताला। और अगर इनको सज़ा देनी है, फिर सज़ा वहाँ से शुरू करें जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस हालत पर पहुँचाया है। एक सेकंड सर बोलने दें मुझे काइंडली। और अब उधर गए ना तो फिर पर जलते हैं बहुत सारे लोगों के। तो इस मुल्क में एक चलन बन गया है कि जो मुल्क को तबाह करे उसको तो कहना कुछ नहीं है, क्योंकि पर जलते हैं। और सिविल सर्वेंट है, उसने नेग्लिजेंस किया तो उन्हें फाइल आ दे। तो इसलिए ना 6 और 7 पाकिस्तान एक टाइम पर नहीं चल सकते, एक ही चलेगा। जो सलूक किसी ताकतवर से होगा, वही सलूक किसी कमजोर के साथ होना चाहिए। जी देखिए, मैं इकोनॉमिक्स की समझ बूझ मुझे नहीं है, मैंने कभी दावा भी नहीं किया आज तक। मैं आपको रेलवे पे बता सकता हूँ, पॉलिटिक्स पे बात कर सकता हूँ, अब एविएशन या पीआईए पे कर सकता हूँ, लेकिन देखें बात ये है, कोई भी गवर्नमेंट खुशी से ये काम नहीं करती। लेकिन अगर सारी दुनिया के दरवाज़े बंद हो जाएं और दुनिया कहे कि पहले आईएमएफ का ताला खोलेगा तो हमारे पास आना, तो फिर आपने डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए बड़ा कुछ करना है। ये जो डार साहब को करना पड़ रहा है, या जब मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को करना पड़ रहा है, ये गंध किसी और का है। और अगर कंपेयर करना है तो फिर नवाज शरीफ के 4 साल को इमरान खान के 4 साल से करें, वो कंपैरिजन लोगों को याद नहीं रहता। और जो आखिरी शाहिद खाकान साहब के 10 महीने थे, वो क्या 10 महीने थे। शाहिद साहब ने बड़ा जोर लगाया, बड़ी एफर्ट की, साजिश अपने अरूज पे थी, काम तो करने को ही नहीं देता। इसी तरह अब ये जो 8-9 महीने, ये तो फायर फाइटिंग के हैं, जो तबाही मचा गए हैं। नोट करना चाहिए, हम आईएमएफ को अलविदा कर गए थे, इसकी कोई तरदीद करे,
आईएमएफ का प्रोग्राम कौन आया दोबारा पाकिस्तान में? पिछली हुकूमत लेके आई। अब जब आप प्रोग्राम लेके आते हैं तो फिर आपने उस प्रोग्राम पे चलना है। आप माइंड्स बिछा के चले जाएं और उसके बाद आप कहें जी मैं तो नाअहल नहीं था, ये गलत है। चार साल में तुम नाअहल नहीं थे, हम 9 महीने में नाअहल हो गए। लेकिन आपने फैसला ये करना है कि आपने मुल्क को दिवालिया होने देना है दुनिया में, या इसको एक वाइबल स्टेट के तौर पर रखना है। तो सिर्फ ये नहीं है कि देखें जी जब महंगाई तो नाकाबले बर्दाश्त हो गई है, इसमें क्या शक है, हर शख्स परेशान हो गया है, ये आप इसको कारपेट के नीचे तो नहीं छुपा सकते। लेकिन आपने अगर इस रियासत को वायबल स्टेट बनाना है और कम बैक करना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब तवक्कोआत हैं कि रशियन अगर ये जो ऑयल एग्रीमेंट जो है इसके मुताबिक अगर ये फाइनल चीज़ें हो जाती हैं, तेल आता है, तो तवक्को करते हैं तेल सस्ता होगा। कुछ कंजर्वेशन करनी पड़ेगी, कुछ अपनी भी आदतें बदलनी पड़ेंगी। अगर कहा गया आप 8 बजे या 8:30 बजे मार्केट बंद करें तो फिर करें, क्योंकि आप यहाँ प्रॉब्लम एक और है कि मुझे कोई तंग ना करे मगर मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाए, ये नहीं हो सकता। सेक्रीफाइस सबको करना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। सारी दुनिया में आप देखते हैं 6 बजे सारी दुनिया में महजब तरीन मुल्क बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? उनके पास तो कुव्वत खरीद हमसे 100 गुना ज़्यादा है, इसलिए कि उन्होंने अपनी एक हैबिट्स को ठीक कर लिया। हमें भी अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। उसी तरह जिस तरह पंजाब में 1-1, 2-2 बजे तक शादियाँ चलती थी ना, फिर एक फैसला आया जी 10 बजे बंद होगा। हम सब ने बड़ा माइंड किया क्योंकि हम सब आदी थे कि भाई नहीं, हम तो 12-1 बजे वापस आएंगे। उसमें क्राइम रेट बढ़ जाता था, ख़वातीन जेवरात के साथ रात को लुटती थी, फैमिलीज डिस्टर्ब होती थी। आज आदत पड़ गई, 10 बजे 10:15 बजे लोग घरों को वापस आ जाते हैं। बाकी आदतें भी ठीक करनी पड़ेंगी, और जो हम ये नुकसान करते हैं अपनी आदतों से, इनको ठीक करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। किस शख्स की बात करें, तुम पता नहीं किसका नाम किदी इमरान खान छोड़ो कुछ और गल कर रहे हैं। थैंक यू। वज़ीर रेलवे साद रफीक तकरीब से ख़िताब कर रहे थे, मीडिया से गुफ्तगू भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि रेलवेज़ में तनख्वाहों के 5 शेड्यूल्स हैं, कल तक रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा हो जाएंगी। शॉर्ट टर्म लीज़ के जरिए अरबों रुपये रेलवे ख़जाने में आएगा। इसके साथ साथ उन्होंने मज़ीद कहा कि IMF प्रोग्राम दोबारा पिछली हुकूमत पाकिस्तान लेकर आई, अब माइंस बिछा कर चले जाएँ और कहीं नाअहल नहीं था, महंगाई नाकाबले बर्दाश्त हो गई, हर शख्स परेशान है, अगर कम बैक करना है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा।